हरीज, हरीज, ये क्या तरीका है किसी के घर में घुसाने का? ये किसी का नहीं, मेरे बाप का घर है और यहां आने के लिए मुझे आपकी किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। सुना आपने? देख रहे हैं, आपकी बेटी ने अपने भाई को उस लड़ाई के लिए बुलाया है जिसमें कसूर भी इसका खुद का है। वकार भाई को आप ही ने नहीं, मैंने बुलाया। तुमने? तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। रीच, अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है लोगों के दबाव में आने की। तुम कौन होते हो मेरे फैसले पे एतराज करने वाले? तुम जानते हो इसने क्या किया है? इसने कुछ नहीं किया है अबू, साहिबा ने मुझे सब कुछ बता दिया। एक यकतरफा मैसेज का बहाना बनाकर आप मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, वो भी सिर्फ इस घर की खातिर? चलो हरीज, मैं आज तुम्हारा यह इनकार सुनने नहीं आया हूं। नहीं भाई, अबू ने जो भी फैसला किया ठीक ही किया होगा। क्या कह रही हो हरीज? कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा भाई, ना ये घर, ना यहाँ के लोग, ना आपके हालात। मैं और मुश्किल पैदा नहीं करना चाहती। बेहतर है कि मैं सबसे दूर चली जाऊं। देखो, अगर तुम राफिया की वजह से, कल पहली बार मेरे कानों ने सुना कि अम्मी मर चुकी हैं। अब्बू कहते थे कि वो गुजर गई हैं, जैसे कहीं से गुजरने वाले लोग वापस आ जाते हैं, जैसे मंजिलें गुजर जाती हैं लेकिन दुनिया के नक्शे से खत्म नहीं होती। लेकिन अब पता चला कि मेरी माँ वाकई मर चुकी है।